अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, और ईद का तीसरा दिन भी आपको मुबारक हो। जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, सबको ईद का दिन तीसरा दिन मुबारक हो जी। और हमारे यहाँ ईद में कहते कहते ये गिर चुका है, इसका पाँव जख्मी हो चुका है। वो देखें, ये इनका कहना होता है, देखें ना, ये मंकी की तरह लटक रहा है यार। एक क्या है, एक क्या है, दोबारा करो जरा, बेव का बेव का। अब देखे ये मंकी वाले है भाई, ये मंकी कमांडो से, देखो ये देखे वहां तक जाओ जाओ। गुड, अच्छा ये हाइट बढ़ाने के लिए। तो अच्छा जी, सब्सक्राइबर व्यूअर सब लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। ईद का तीसरा दिन है, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक करे, कमेंट और बेल का आइकन जरूर दबाए, शेयर भी किया करें। तो मैंने नहीं कहा था कि ये कमांड हो जाए, गिर गया है। तो चलते हैं अपने लॉक की तरफ, लॉक शुरू करते हैं जी। और लॉक की शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कहता हूँ जो हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी दिन नज़दीक आ रहे हैं और बंदा आ चुका है इंस्टॉल करने के लिए। वॉश जो आ जाएगा, शावर जो मैं लाया था ना, तो उसको मैं तकरीबन आज कल में इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना पानी छिड़कना गंदगी हो जाती है। तो लेट्स मूव टू अवर ब्लॉग जी। तो पहले तो हम वेलकम करते हैं अपने रैबिट को, जो माशाल्लाह अभी तक ये कह रहा है, इसकी किस्मत में भी रखा हुआ है सब कुछ। ओए दाना को ना छोड़े बेटा, इसको निकाल दो वहाँ पर, पिंजरे बंद कर दो। और ये रैबिट साहब जो है ना, ये खाली पता नहीं खाली प्लेटों का ये क्या करते हैं, और ये आज चले जाएंगे जी इंशाल्लाह। और ये तो ठीक हो गई है माशाल्लाह, इसको मैंने इंजेक्शन लगाया था, इसकी दूसरी सब ठीक हो गई माशाल्लाह, रिकवरी हो चुकी है। एक बटर हमारा बॉब वाइट ज़ाया हो चुका है, तो इसको मैं अभी इसके साथ बंद करने लगा हूँ, ये इस वाले बटर के साथ, ताकि ये मतलब खफा ना हो। अच्छा तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा है नीला पीला, क्या कौन सा है, कातिल है ये जी हमारा कातिल। एक मिनट, पिंजरा हिला हुआ है, तो थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ। ये जी हमारा कातिल साहब। सूरत कातिल। और ये जी हमारा जिगरा असील है, चाहिए थोड़ा सा कमज़ोर हुआ हुआ है। अब मसला ये, इसमें कीड़े हैं, कल इनको मैं डिवॉर्मिंग करूँगा, मगर मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है तभी डिवॉर्मिंग अच्छी होती है, अदरवाइज डिवॉर्मिंग से मसला बन जाता है इनको। उबो दवा जाओ, उबो उबो उबरा हुआ लपा की उबो। माशाल्लाह ये जिगरा असील है हमारा, गंजी को तो मैंने उसे बंद की बीमार थी। ये हमारा रिंग, किंग ऑफ द रिंग। ओए मुँह देगा, किंग ऑफ द रिंग यार, ऐसे भी तुमने शर्माया हुआ है, दो मुर्गों से भाग चुकी हो। और ये है हमारा सलेटी, ये भी रिकवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे रिकवर हो चुके हैं, ये भी रिकवर हो गया है माशाल्लाह। दीता वाचो दीता, डक डक। और रंगीन दुनिया, हाँ काना शाना है, हाँ है माशाल्लाह, रंगीन दुनिया को देखे इधर। और ये हमारी छोटी दुनिया, और ये हमारा गोलू बोलू बालू, ये बालू, ये काला बालू, हाँ ये सफेद बालू, क्या करो ना यार, तुम्हारे पाँव भी कमजोर है। अच्छा ये है हमारा तीतर मियाँ, माशाल्लाह फिट है। ओए जिंजर तू यहाँ क्या कर रही है, निकल यहाँ से, ठीक है जी। और ये हमारा गंजू, अच्छा गंजू ने एक काम किया, आपको पता है कुछ इस तरह है कि हमारे जो खरगोश है ना, इनको लग गई है लत, और वो भी है इसको क्या कहते हैं, चारा नहीं, जुआर। जुआर जो होते हैं ना, ये आजकल मिलता नहीं है बहुत ही, तो उधर मिलते थे ईद के दिनों में, तो अब भैया कुछ खाते नहीं है, अब कुछ खाते नहीं है, आओ ना यार यहाँ पर। तो ये देखें मंकी जात का चुका है जी, ये हमारे यहाँ अभी ट्रेनिंग में, एक पाँव वैसे भी खराब है, दूसरा भी,
कंडम हो जाएगा। तो वो था क्या नाम है उसका, सुनो समय कंडम। अच्छा जी, तो रैबिट्स को लत लग गई है जुवारों की, तो अब जुवार है नहीं और मंकी एक और लटक रहा है। तो यहाँ पर आजकल मतलब यह कि इतने में यहाँ पर मंकी आ चुकी है हमारे यहाँ, तो एक मंकी ये है एक मंकी वो है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि दोनों लटकते हैं और काम ही है नहीं। तो लटकना तो आपको पता है बंदरों का काम है। तो अब जो जो बीमार थे वो रिकवर हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सख्त वक्त था और निकल गया। सीआरडी का थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा सबसे बड़ी बात, जिन भाइयों को कबूतरों का पता नहीं है और कबूतर जिन भाइयों ने रखी भी और उनको तब भी पता नहीं है कि कबूतर को मच्छर से कैसे बचाया जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे होते हैं ना चिक्स कबूतरों के, उनको आपने किस तरह बचाना है मच्छर से, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कबूतरों को जिस तरह मैंने आपको बताया कि कबूतर को किस तरह बचाना है, तो हमारा यहाँ पर एक बच्चा एक्सपायर हो चुका है, ये बच्चा था एक्सपायर हो चुका है, दिखा नहीं सकता दानों की वजह से, अच्छा तो ये इस तरह है ना, आपने लेना है मोसपिल इस तरह इस कपड़े पर, ठीक है, आपने मोसपिल इस तरह लेना है, ठीक है, मोसपिल लिया इधर, ठीक है जी, निगरावा छोड़ दे मैंने इधर, ठीक है जी, इधर इस तरह इधर इधर, आपने अंदर को ये जगह रवा छोड़ डाल, थोड़ा वाला डाल, हाँ सर डाल दो ये इस तरह ऊपर से जी साइड से, ठीक है जी, आपने इस कुड़ी को मोसपिल के सारे सारा कपड़ा लगाना है, ठीक है, हर दो दिन बाद तीन दिन बाद आपने लगाना होता है। आपका कोई भी बच्चा मच्छर क्या मच्छर का बाप भी नहीं आएगा, ये मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं आपसे प्रूफ के साथ कहता हूँ। तो चले ये तो हुई मोसपिल की बात, अभी आते हैं यहाँ पर। मैंने आपको मोसपिल का तरीका बताया है, तो आपने एक रूई पे या एक कपड़ा कपड़े पे मलबल का कपड़ा हो गया जो कपड़ा भी है उस पर लगा दे, और इतना लगा दे कि मतलब वो जो सारा कूड़ा है ना उसके इर्द गिर्द वो आप लगा दे। आपने मोसपिल कबूतर के चिक पर नहीं लगाना, या मुर्गी चिक्कर मुर्गी का जो चिक है ना उस पर नहीं लगाना, कबूतर के चिक्के ऊपर भी नहीं लगाना, आपने इर्द गिर्द जो लगा होता है ना वहाँ पर आपने लगाना है, ताकि उसके बू से मतलब मच्छर भाग सके, या यकीन जाने कि मच्छर का बाप भी नहीं आएगा, ठीक है जी, आप बातें ना करो आप क्या करो। तो ये मेरा आपके साथ दावा है कि मतलब नहीं आएंगे मतलब, ठीक है। अच्छा अब इस तरह है कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बड़ी मालूमती है, आजकल सी अड़ी आ चुकी है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि ना पके, आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोगों ने कम से कम सब जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों ने रखे हैं ना मुर्गियाँ या कुछ और सिर्फ मुर्गियाँ और बटेरों में भी आए हुए हैं, तो सी आई डी कोर्स के लिए आप लोग एंड्रोसिन का इस्तेमाल करें तीन दिन आप लोगों ने इसको ज़रूर अपने मतलब वो इसको पिलाना है लगातार, ठीक है, उसके बाद जब वो तीन दिन हो जाए तो उसके बाद फिर गैप दे दे दो दिन, फिर आपने तीन दिन इस तरह करवाना है। मेरे पास तकरीबन 15 चिक्स थे, 15 में तकरीबन 7 एक्सपायर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और की बचत हो चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि मतलब एक्सपायरी तो हुई है, ये नहीं है कि नहीं हुई, मगर बड़ों में तो नहीं हुई और छोटों में हुई थी, वो भी इसलिए कि छोटों का इंजेक्शन जो होता है वो नहीं लगा सकते बाबा? जब भी लगाते हैं तो उसमें एक मसला आता है तलगुनी सा, उसमें एक मसला ये आता है कि रिएक्शन होता है, जब छोटे चिक पर रिएक्शन होता है तो उसका जो होता है ना लाइफ थ्रेट जो होता है ना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, झटके आ जाते हैं झटकों से फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब सी आई डी में जो मुब्तला थे अब उनकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। मैं कह रहा था कि ये छोटे वाले अगर वो छोटा वाला बच्चे गन जाके दगाए वो बेटा नीचे उनको सी आई डी आई थी ना नहीं ब्लैक
ब्लैक तो मेरे ख्याल में बिल्ली ले गई थी, और जो छोटे हैं ना वो नीचे हमने शिफ्ट किए थे मोरो के साथ, जो मोर तो के कैसे उस ब्लैक बिल्ली उसका पता नहीं है मुझे, क्योंकि उसके कुछ दिन हो चुके हैं, क्योंकि जगह अब देख रहे हैं ना यहाँ पर ये जगह जो है ना खुला हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से निकलो और बिल्ली ने कैच किया हो। तब बच्चे लोग ख़त्म करते हैं, इनको सीढ़ी वाले मुर्गे दिखाते हैं, ठीक है आओ। फिर इसको मैंने घुमाना भी है ना, क्योंकि अब घुमाऊँगा नहीं तो मेरा तो वाट लग जाएगा, और वाट लगने से तो पता है ये चीज़ सीढ़ी में मुब्तला कन्फर्म मुब्तला थी, वो तो सीढ़ी में वो तो ख़त्म हो चुका था, अल्लाह ने बचाया उसे। और देखें ये दाना इस तरह रखते हैं, जिस तरह ये फ्री का दाना लाते हैं भाई, ये फ्री की दानी नहीं है, ठीक है हाँ। उधर इतना पड़ा है जाओ का वो, अच्छा ये हो गई, वो हो गया, वो बड़ा वाला देखे ये सी आर डी में मुब्तला था, ये देखे ये भी सी आर डी में, एक दो तीन हो गए, तीन हो गए, वो चौथी, ये पांचवी अब भी है, ये छठी, ये ठीक हो गई है, दोनों ठीक हो गई है। देखे माशाल्लाह ये खुराक करी, जो खुराक शुरू करते समझा कि वो बस वो परफेक्ट है अभी। तो छः मुर्गे हमारे मुब्तला थे बड़े वाले, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए सी आर डी से, और अभी इसका जो मसला है ना गर्दन का है, तो बस ये भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ से ये मुर्गी जा रही है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका जो है ना एक तो अपने मुर्गे के साथ लगता नहीं है, अपने मुर्गे को ही मारती है, और ये भी सही नहीं है। मेरा बस वो जो मेरे पट्टी है ना उसमें सी आर डी रह चुका है, रहने का मतलब ये है कि इसमें अभी है, तो मतलब ये है कि कन्वर्ट नहीं होगा, मगर ये कि इसको खा सकती है, अल्लाह खैर करे नहीं कहेगी, ठीक हो गई ये ठीक हो सकती है, तो ये तो देसी है, वो फार्मी है, वो तो असील है। तो चलते हैं जी अब इस तरफ। अच्छा ये हमारा जो है ना ये देखिए इसको गंजू को, ये चौटू गंजू माशाल्लाह बेहतरीन से आते, इसकी सब को सी आर डी आ चुकी है, ये बच चुका है, ये गंजी भी बची हुई है। अच्छा ये हमारा देखें ना बॉब वाइट के साथ ये मस्ती कर रहा है, ये बॉब वाइट के साथ मस्ती कर रहा है, बॉब वाइट की दोनों फीमेल मर चुकी हैं, और वजह ये है कि ये जो है ना गर्मी के नहीं है, ये सर्दी के परिंदे हैं। तो और हमारा रेजा इस तरह है जिस तरह मुर्गी होती है, ठीक है, और खरगोश बदल गया, वह खरगोश हो जरा आओ हम आपको देख लें। अच्छा ये है हमारे खरगोश नीले पीले हीले हीरे क्या कहते हैं, ये है हमारा ब्लू, तो पियर नहीं है इसका, पियर किधर है यार, पियर पता नहीं कहीं गुम हो गया। अच्छा इसको क्या हुआ है, एक तो मैंने इसको मारा हुआ किसी ने, आ जा बेटा तुझे गर्मी लगी है, गर्मी में एक्सपायरी बहुत हो रही है, और वजह ये है कि कोई बीमारी नहीं है, मगर गर्मी तो है ना, खाओ यार तुम लोग खाओ। आप लोगों को तो मैंने जो तरीका बताया है मच्छरों का, क्योंकि बहुत जो चिक्स हैं हमारे एक्सपायर हो गए हैं, तकरीबन मेरे तो मुर्गियों के तीन चार चिक्स जो थे वो एक्सपायर हो गए हैं, वो भी बहुत पहले जो मच्छर शुरू हुए हैं ना तो उन दिनों में एक्सपायरी हो गई है, और वजह यही है कि मतलब हमारा जो सेटअप है मच्छर बहुत थे, अभी मच्छर बहुत जाते हैं, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या हो सकता है कुछ, तो फिर एक आइडिया है कि जब से ये पिजन्स के बच्चे हैं ना इनमें एक्सपायरी आ चुकी है, तो मुझे एक वो लगा कि हो सकता है मोस्प्रे का, मैंने दो तीन बता मोस्प्रे लगाया, अब यकीन जाने जो मोस्प्रे लगाता था मैंने एक को नहीं लगाया, आज वो बच्चा एक्सपायर हो चुका है, जो लगाता था वो सही है, अब देख लिया वो तकरीबन बड़ा भी हो गया, तो मोस्प्रे काम करता है बाकायदा करता है, और आप लोग लगाया करें, आजकल थोड़ा सा महंगा हो चुका है, मगर ये है कि एक डब्बा आ जाएगा तो मेरे ख्याल में सारे आपके सेटअप में काम कर जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। हाँ तो बोलो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल का आइकन दबाएं, मस्त दबाएं, ज़रूर दबाएं, कमेंट किया करें। आज का अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो मोस्पल के बारे में तो आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें हर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पामान। अल्लाह पामान।